गाइस अब हम करने वाले हैं स्किन केयर, टीनेजर स्किन केयर करने वाले हैं और मैं भी करूंगी साथ साथ क्योंकि मैं भी टीनेजर हूँ ना। सब लोग कर सकते हैं ये स्किन केयर, ठीक है। एंड मेरे इस चैनल पे, ब्लॉग चैनल पे स्किन केयर मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। ये टीनेजर स्किन केयर चलेगा 7 डेज का। एंड मेरे चिश ब्यूटी चैनल पर अभी चल रहा है टीनेजर हेयर केयर रूटीन 7 डेज का, ओके। तो जो भी टीनेजर है, हेयर केयर करना है उस चैनल पे चले जाना, स्किन केयर करना है इस चैनल पे आ जाना। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग जल्दी जल्दी दोनों वीडियोस देखते रहें और अपने स्किन और बाल दोनों को ही शानदार बना सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बालों को कर लेंगे सिक्योर, और सिक्योर वाले हैं टीनेजर स्किन केयर की। ये है फर्स्ट वीडियो, ओके। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आने वाली है। ये सीरीज बहुत शानदार चलेगी, मेरे व्लॉग्स बीच-बीच में आते रहेंगे, साथ-साथ टीनेजर स्किन केयर भी चल रहा है हमारे चैनल पर, ठीक है। तो और उस चैनल पर हेयर केयर चल रहा है, तो आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अपना फेस करेंगे क्लीन, ठीक है। क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये वेट वाइप्स है। आपके पास कॉटन है आप कॉटन से कर लीजिए, नहीं तो फेस वॉश कर लीजिए, ठीक है। एंड ये कर लीजिए, कोई भी कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वाइप्स निकाल लेते हैं और पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी वाइप्स है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है आपके फेस को। स्मेल कितनी प्यारी है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये है टीनेजर, तो स्किन केयर में हेयर केयर और स्किन केयर दोनों ही मैं इसके ऊपर करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो गाइस फेस हो गया है पूरा क्लीन अच्छे से, ठीक है। पूरा देखो आप, पूरा गंदा हो चुका है, ओके। तो चलिए अब फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं फेस को क्लीन क्लींजर से, ठीक है। क्लींजर के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है ये आपकी स्किन को बहुत ग्लोई बनाता है, स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आता है एंड साथ ही साथ आपकी जो भी टैनिंग है ना वो निकल जाती है। अभी गर्मी है, चल रही है समर है, हम लोग चाहे घर में है फिर भी देखिए धूप की रोशनी घर में तो आती है ना, एंड उससे स्किन है वो टैन हो जाती है। अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा स्किन खराब हो जाएगी, इसलिए घर में है तो भी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, रॉ मिल्क को अपने पूरे फेस के ऊपर हमें लगाना है। कर लीजिए, दिखाइए। तो यहाँ पर है कच्चा दूध, इसको पहले हम लोग कॉटन ले लीजिएगा, कॉटन से आप कॉटन को डिप करके और पूरे फेस को क्लीन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाइप्स ही ले रही हूँ बिकॉज मेरे पास कॉटन खत्म हो गई है। सो आप लोग कॉटन है तो कॉटन ले लेना। और स्किन केयर और ये थोड़ा मैस हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, पुराने कपड़े पहन के ही करना, बहुत ज्यादा मैस हो जाएगा, ठीक है। पूरा आप करोगे ना कॉटन, जब आप इस तरह से लगाओगे ना, सीरियसली देखना आपकी स्किन पे से सारी गंदगी निकल जाएगी, जितनी भी गंदगी है डर्ट है ना सब कुछ निकल जाएगा, इतना अच्छे से क्लीन करता है रॉ मिल्क आपकी स्किन को। Thank you.
यहाँ पर गाइस अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है, नेक को भी कवर करा है ताकि नेक आपकी गंदी ना लगे, ठीक है, नेक भी एकदम साफ रहे। तो यहाँ पर हो गया है हमारा फेस और नेक दोनों एकदम क्लीन, ठीक है। एंड इसके बाद में अब हम करने वाले हैं अपने फेस पर थोड़ी सी मसाज। एंड अभी लॉकडाउन है, घर में ही रह रहे हैं हम लोगों को बाहर जाना नहीं है, और सब जितनी भी मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगी ना, मोस्टली ये समझ लो कि DIY है, सारी घर की चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम अपने फेस पर अच्छी मसाज करने वाले हैं, जिसमें हम यूज करने वाले हैं योगर्ट यानी दही, ठीक है। योगर्ट बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए। तो अभी हम स्किन की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग अपनी स्किन पर इससे जल्दी से मसाज कर लेते हैं। आप लीजिए ना, थोड़ा सा लेना है आपको अपने हैंड पर, ठीक है, एंड अपने पूरे फेस पर इस तरह से इसको लगा लीजिए। एंड टीनेजर बड़े सब लोग इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है, तो आपकी स्किन पे किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसको इस तरह से अपने पूरे फेस पर कम से कम 10 मिनट के लिए मसाज करेंगे, ठीक है। और मसाज के थोड़े से स्टेप होते हैं, तो आप लोग अच्छे से स्टेप भी सीख लीजिए। मेरे चिश ब्यूटी चैनल पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको पूरा स्टेप सिखाए हैं किस तरह से मसाज फेशियल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने चिक्स पर करना है, एंड रिंग फिंगर से आपको अपनी आईज के इस साइड में राउंड में इस तरह से करना है। ठीक है, ये आप 10 मिनट मसाज करेंगे तो आपका स्किन है वो एकदम क्लीन हो जाएगी, जितनी भी टैनिंग है वो सारी टैनिंग निकल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं टीनेजर किस तरह से कर रही है, और अपने नेक को जरूर कवर करें, नेक पर भी करें, वरना नेक और फेस का जो स्किन है वो आपकी अलग लगेगी। इसलिए जो भी चीज हम फेस पे लगाएंगे, साथ ही साथ हम लोग नेक पर भी लगाएंगे। इसे अगर आप लोग रेगुलर करेंगे ना गाइस, एवरी डे अगर आप ये वाली फॉलो करेंगे जो मैं आपको चीज बता रही हूँ, तो आप 7 दिन छोड़िए, आपके 5 दिन में ही आपकी स्किन इतनी ज्यादा क्लीन हो जाएगी कि स्किन से सारी गंदगी, डर्ट, जर्म्स है ना, सब कुछ निकल जाएगा, और स्किन है वो धीरे धीरे फेयर भी होने लगेगी। क्योंकि काफी लोगों की देखिए ब्लैक स्किन हो जाती है, मतलब कि आप लोगों का जो नेचुरल कलर होता है ना, जब वो हमारा बाय बर्थ होता है, हमारा बाय बर्थ जो नेचुरल कलर होता है, उस कलर के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा धूल, प्रदूषण, पॉल्यूशन है ना, जर्म्स, गंदगी, ये सब जमा होकर और हमारा स्किन टोन है वो बहुत डार्क हो जाता है। तो हमें अपना स्किन टोन को वापस लाइट करने के लिए ये सारे DIYs करते रहना है, ठीक है। तो इससे हमारी स्किन टोन है ना वो वापस लाइट हो जाएगा। तो टीनेजर के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मेरा भी बढ़िया वाला स्किन केयर हो गया, और टीनेजर का भी स्किन केयर हो गया। बोलो ना बेटा, तुम खुद तो बोल ही नहीं रही, बोली ना, सब लोग सोचेंगे टीनेजर है और ये बोल ही नहीं रही है, बातें करिए ना, बोलो ना तुम भी। तो कैसा लग रहा है आपको अपना स्किन केयर हेयर कर करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना वो दीजिए ना कि हम कि आप मतलब मैं आपकी स्किन पर और आपके हेयर पर कितना वर्क करती हूँ, कितना काम करती हूँ, बताओ मेरे व्यूअर्स को, मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपके ऊपर? बहुत ज्यादा। पूरा अपना बताइए, आपके बालों की जो लंबाई इतनी इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, ये सब बताओ। पहले कैसे थे बाल, अभी कैसे हैं, वो उस चैनल पे बताना, ठीक है। चलो अभी स्किन के लिए यहाँ पर बताइए, अभी स्किन की बात चल रही है ना, हाँ तो अभी पहले हम लोग करते ही है ना DIYs, तो करते ही रेगुलर बेसिस पे काफी अच्छी हो गई स्किन। पहले बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स थे स्किन पे, और अब काफी ज्यादा लाइट हो गए हैं। हाँ, इसके पिंपल हो गए थे ना, तो इसके पिंपल के यहाँ निशान रह गए थे फेस पे, तो इसने मैंने इसको बहुत सारी DIYs बताई, इसने रेगुलर करी भी है DIY,
इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एंड बहुत ही स्किन इसकी साफ हो गई है, क्लीन हो गई है। इसी की जुबानी सुनिए आप। काफी ज्यादा फेयरनेस भी आई है स्किन पे और जो ब्लैक स्पॉट थे वो काफी लाइट हो गए हैं। और स्किन पे अच्छा सा नेचुरल ग्लो आ गया है। जब हम लोग डीआईवाई करते हैं ना गाइस, घर की चीजें जब इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत हेल्दी अच्छे लग जाती है और बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाती है। ग्लो करने लग जाती है। तो चलो जी, हो गया है हमारा अच्छा वाला मसाज, अब हम अच्छे से इसको फिर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, आप फेस को है ना वॉश भी कर सकते हो। अभी मैं क्लीन कर रही हूँ, बार बार उठ के फिर जाना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए मैं एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इससे है ना हल्की सी आपको जलन भी लग सकती है फेस पे। हाँ, हल्की सी आपको फेस पे, क्योंकि दही है ना, दही से विटामिन सी होता है दही में, तो थोड़ा सा ना हल्की सी जलन लग सकती है। और मेरी आंखों में जलन लग रही है, इसलिए मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ, क्योंकि मैंने आईज के ऊपर लगाया ना, थोड़ा सा आईज में वो हो जाता है, मतलब हल्की सी बर्निंग हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग फेस वॉश कर लेना। ठीक है, तो आप लोग ऐसे डरना मत कि हमारे हल्का तो जलने लग गया फेस। हाँ, आप बोलिए जितने हम वॉश कर दो अपने, मैं फेस वॉश करके आ रही हूँ। ठीक है, जितने आप लोग बात करो राहिन से। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि थोड़ी सी जलन लग गई तो आप थोड़ा सा डर जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इससे हल्की सी जलन तो लग जाती है। आप देख सकते हैं अभी से ही मेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो सारे स्टेप बाकी है, फिर भी आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज्यादा क्लीन लग रही है। और देखिए आप, मैं सारी डर्ट आ गई है इसके ऊपर। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है और अब हम हल्की सी करेंगे स्क्रबिंग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया है और इसके अंदर हम मिलाएंगे बेसन। ये बनाती है ना लोगो, खुशबू के दी बना दे। ये देखिए आप, 1 स्पून है बेसन और ये मैं इसमें डाल दूंगी धीरे धीरे आराम से। तो यहाँ पर ये पैक बनाना स्टार्ट कर दिया इसने, और मैं फेस वॉश, स्क्रबिंग नहीं, ये पैक है, स्क्रब नहीं है बेटा, ये पैक है। स्क्रब किस बात का, हमें लगा के 10 मिनट छोड़ना है, फिर हम इसको है ना रब करते हुए उतारेंगे, मतलब स्क्रब प्लस पैक दोनों का काम करेगा ये। ठीक है, तो मेरा फेस वॉश अपना कर लिया है। और हाँ, एक चीज मैं और बता देती हूँ, अब आप लोग देखिए लॉकडाउन है, घर में हूँ, और आप लोग ये सब चीजें करोगे ना तो आपकी मम्मी जरूर डांटेंगी कि तुम लोग ये क्या सब क्या कर रहे हो, लेकिन मम्मी को बोलना ये सब नेचुरल चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, घर की है, तो हमारी स्किन और बाल दोनों अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, और ये आप अपनी मम्मी के भी कर सकते हो, मम्मी की स्किन भी देखना चमक जाएगी। एक ही बार कर लेना, आप एक बार करोगे, एक बार में मम्मी की स्किन देखना बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पैक बनकर रेडी हो गया। तो ये पैक बनकर रेडी हो गया, अब हम हमारी स्किन के ऊपर, ये पैक बनकर रेडी हो गया गाइस, तो हम लोग अब इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाने वाले हैं। ब्रश का है? ब्रश, ब्रश की तरह होता है, ऐसे लगा लीजिए। इसके अंदर है व्हाइट, इसमें है, इसके अंदर सब सुपर वाले में है, सॉरी इसमें व्हाइट कलर का एक है। हाथ से लगा लीजिए ना बेटा, ब्रश की जरूरत कहाँ है, आप ब्रश की जरूरत लगा लीजिए, हाथ से लगाएंगे। जहां तक हम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें सुकून नहीं मिलेगा, राइट? तो गाइस पहले हम लगा लें फिर आप लगा, पकड़िए तो एक मिनट, इसको वो देना कांच, ये आप पकड़ लीजिए, कांच दे दीजिए। वाओ, स्किन कितनी क्लीन हुई है, देखो अच्छी है ना,
काफी हेल्दी हो गई है। हेल्दी हो गई है, अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है बेबी, 7 दिन हम स्किन की देखना हमारी स्किन को कितना चमका देंगे। सही बात है ना। तो यहाँ पर गाइस मैंने तो लगा लिया है पैक, और फ्रूटी अभी अपने लगा रही है पैक, पूरा लगा लेना और है ना, और आप लोग नेक पर भी लगा लेना। एक्चुअली मैं इस ड्रेस को अभी मेरे ये पहनी हुई ना गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगा रही, लेकिन आप लोग गर्दन को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये हाफ ड्राई हो जाएगा ना, मतलब 10 मिनट या 5 मिनट में, ठीक है, हाफ ड्राई करना है बस हमें, तो हाफ ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे इसको, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको हाफ ड्राई होने का हम लोग वेट करते हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। आप लोगों को क्या ये 7 दिन का स्किन केयर चाहिए ना, क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज स्किन केयर भी लेकर आइए आप स्किन केयर, तो ये सबसे बेस्ट है। एक तरफ हेयर केयर चल रहा है, एक तरफ स्किन केयर चल रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियोज हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका है ना क्या बोलते हैं सदुपयोग करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करोगे तो आपको फायदा होगा, आपकी स्किन भी चमक जाएगी और बाल भी लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से ये ड्राई हो जाए बेबी। ये 10 मिनट में हो जाएगा ना? लिप्स के वो बंद करके और लगाइए। और बच जाए ना पैक तो फिर हाथों पर भी लगा लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग वेस्ट मत करना, हाथों पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाथ भी आपके एकदम क्लीन हो जाएंगे, साफ। दही से स्किन में बहुत चमक आ जाती है, पता, स्किन बहुत चमकने लगती है दही से, जैसे बाल चमकते हैं ना उसी तरह से दही भी चमक, दही से स्किन चमक, दही भी चमक। ज्यादा बोलने लगता तो फिर पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। सही बात है। चलो जी, 10 मिनट के बाद में मिलते हैं फिर से। ठीक है, बंद कर दीजिए। तो चलिए, 10 मिनट हो चुके हैं गाइस, और ये ड्राई हो चुका है, थोड़ा हाफ ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को पहले गीला करना है, उसके बाद में हम इसे रब करते हुए पूरा निकालेंगे। ओके, तो जल्दी से हम थोड़ा सा अपने हाथों को गीला कर लेते हैं। एंड आप लोग पानी यूज कर ले कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास दूध है, कच्चा दूध पड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ में लेके और रब कर रही हूँ। ठीक है, दिखाते हुए डाली बेबी, मैंने मिल्क को अपने हाथों पे लगाया है, और आप लोग पानी भी ले सकते हो। इससे पता है क्या होगा, क्योंकि बेसन होता है वो हल्का सा है ना, मोटा होता है ना, तो आपके हल्का सा स्क्रब का काम भी करेगा ये। एक ही चीज में दोनों काम हो गए। वैसे मैं आपको अलग से स्क्रब की वीडियो दूंगी, स्किन केयर में सब चीज आएगी। ठीक है, आपके व्हाइट एंड्स, ब्लैक एंड्स, क्योंकि टीनेजर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है व्हाइट एंड्स, ब्लैक एंड्स उनके होते हैं ना,
तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो पूरी मैं दूंगी, ठीक है। एंड ब्लॉग है ये, थोड़े से बड़े हो जाएंगे ब्लॉग, क्योंकि इसमें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, बट आप लोग पूरा देखना लास्ट तक, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। कल सेकंड में व्हाइट एंड्स की बनाएंगे। हाँ और फ्रूटिंग, ये कितना मैस हुआ है। अब ऐसे ही मत भागना। क्लीन करवाना क्या? ऐसे नहीं भाग जाए गाइस। यहाँ पर कितना मैस हुआ है पता है आपको? ये सारा क्लीन करना है अभी मुझे, बहुत सारा क्लीन करना है अभी। इस वीडियो को कंप्लीट करके फिर ये मैं क्लीन करूंगी सब। अब फेस वॉश के बाद वापस दिखाते हैं, ठीक है। चलिए पानी से, नॉर्मल वाटर से मुंह धोकर आती हूँ, फिर आपको अपना ओरिजिनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। तो फेस देख सकते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं फेस बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है एंड फेस से सारी गंदगी निकल गई है। तो ये स्किन केयर आज हमारा बहुत ही बेस्ट वाला हुआ है। कल मैं फिर से स्किन केयर लेकर आने वाली हूँ और बीच बीच में ब्लॉग्स भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ पेंडिंग मेरे पास पड़े हैं ब्लॉग, मैंने जो शूट करे हैं तो वो रेगुलर बेसिस पे वो भी आएंगे, ठीक है। फेस को आपको रगड़ना नहीं है टॉवल से, हल्का सा डैप 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 करना इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, रोज वाटर लेना है, रोज वाटर, ओके। एंड रोज वाटर से अपने पूरे फेस के ऊपर हल्का सा रोज वाटर लगा लेना है। आप चाहे तो इसे स्प्रे बॉटल में भी डाल सकते हो, आप चाहे तो इसको हाथ में लेकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी स्किन है ना, ओपन पोर्स है ना, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो इसको इस तरह से डैप 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 कर लीजिए और ये जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हमें लगाना है मॉइस्चराइजर क्रीम। आप लोग जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम अपना लगाते हो वो लगा सकते हैं, ठीक है। देना मॉइस्चराइजर, एंड मैं यहाँ पर जो लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर क्रीम, बेबी थोड़ा कम निकाली उसको। चलिए मैं ये वाला लगा रही हूँ वाव का, आपके पास जो भी है वो लगा लेना, अभी मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो नॉर्मल जो है वो ही लगा रही थी। लिप बाम, लिप बाम देना, यहाँ रखा हुआ है इधर बाहर ही है, देखिए तो ऑरेंज वाला देना वादी का। कौन सा फ्लेवर, ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी? ऑरेंज, मैं ऑरेंज लगा रही हूँ, स्ट्रॉबेरी लगा रही हूँ। ये गाइस बहुत ही हेल्दी वाला स्किन केयर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में क्या लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ओके। तो चलिए इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।